नई जगह पे 2020 में शायद आया था और अपने यहाँ कार्यक्रम था जिफू में, तो उसी दौरान इस जगह पे आया मैं। आपका ये जो धार्मिक स्थल है, अपने पूर्वजों का स्थल है, उस दौरान यहाँ पर हमारे दादा थे, बाकी साथी थे, सबने जो हमारा मान सम्मान किया, जो प्रेम स्नेह दिया और जो हमारे देवी देवता पूर्वज या हमारे जो भगवान है उनके जो पूजा पद्धति को देखा, उस पूजा पद्धति को देखने के बाद हमें जो महसूस हुआ, जो एक अपनत्व की भावना आई और वही अपनत्व की भावना आज मुझे वापस यहां खींच के ले आई। मैं लगभग परिचय तो करा ही दिया, मैं गाड़ी में आ रहा था, हमारे साथी से डॉक्टर साहब से चर्चा हुई, कार्बी कम्युनिटी लगभग 10 लाख के आसपास है, हिंदी लैंग्वेज समझ में आ रही थी सबके, हिंदी समझ में आ रही थी, आते है ओके, 10 लाख के आसपास हमारे कार्बी कम्युनिटी यहाँ पर है। इसके अलावा कई बार कई दूसरे राज्यों में दूसरे धर्मों में विस्थापित भी हुई। मैं मेरा परिचय बता दूं पहले, मैं राजस्थान से हूं, विधायक हूं आपके एमएलए या विधायक जो भी बोलते हैं, और मैं ट्राइबल कम्युनिटी में ढील समूह हूं। कई लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने नहीं सुना होगा, तो ढील समूह से आता हूं, अपने ट्राइबल की कम्युनिटी है, और मैं मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, उन लोगों ने मुझे जीत के यहां भेजा, तो भेजने के बाद मुझे ट्राइबल में काम करने की भावना थी और वही भावना राजस्थान से मुझे असम खींच के लाई। हमारे यहां बीच में कई बुजुर्ग हैं, कई लोगों ने स्कूल विद्यालय नहीं देखा होगा, कई युवा हैं जिन्होंने विद्यालय देखा होगा, कई जगह शायद इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट भी होंगे, कई जने सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और कई जने पॉलिटिकल पार्टियों से संबंध रखने वाले भी साथी यहां पर होंगे। कई जने सोच रहे होंगे कि कार्बी कम्युनिटी का कार्यक्रम है तो राजस्थान से ट्राइबल क्यों आया है, गुजरात से ट्राइबल किस कारण से आना हुआ होगा। हर व्यक्ति इस जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के पास समय नहीं है, आम आदमी हो या खास आदमी हो, बड़ा आदमी हो, सब बिजी है इस दुनिया में, सब बिजी है। कई कार्बी कम्युनिटी के लोग होंगे या नजदीक होंगे, लेकिन इस कार्यक्रम में आने के लिए उनके पास समय नहीं होगा, क्योंकि वो अपने घर गुजारे में, घर का काम में, दूसरे कामों में व्यस्त है। तो हम जो यहां पर आए, मैं सुबह 3 बजे से उठा, हमारे विधानसभा सेशन अभी चल रहा है, विधानसभा सेशन चलने के बावजूद भी मैं 2 दिन के लिए यहां पर आया, तो कोई खास वजह होगी। कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है, इसके कई अनेक मकसद होते हैं, मूल रूप से 2 मकसद होते हैं, उस एरिया को समझना, उन लोगों को समझना, और दूसरा कई लोगों को होता है कि चलो इलाका देख आते हैं, भ्रमण करके आते हैं, घूम के आते हैं। हमारा जो उद्देश्य है, पिछली बार जब आए दादा को हमने बहुत परेशान किया कि कैसे पूजा पद्धति करते हैं, आपके कैसे क्या है, हिस्ट्री के बारे में जाना, रीति रिवाज के बारे में जाना, आपके जो शादी जो होती है, मेरिज होती है, उनके बारे में जाना। वो इसलिए जाना कि हमारी ट्राइबल कम्युनिटी उस ट्राइबल कम्युनिटी में कितना डिफरेंस है और क्या सिमिलर है, समान चीजें क्या है। तो एक बहुत बड़ी समान चीज हमें जो मिली कि हम लोग इस धरती को, सूरज को, चांद को और पहाड़ों को पूजते हैं, तो यहां सेम ये चीज मुझे मिली उस दौरान कि यहां पर भी धरती, चांद, सूरज को पूजा जा रहा था। तो वही हमारी
कम्युनिटी में, यहाँ की कम्युनिटी में सेम वो चीज मिली। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें विवाह पद्धति के बारे में, मैरिज के बारे में जो जानकारी मिली। हमारे मेरी जो कुल देवी है, मेरा जो कुल है, तो हमारे जो देवी है, हमारे जो भगवान है, हम भी मुर्गा चढ़ाते हैं, हमारे भी मुर्गा चढ़ाते हैं, और वो चीज यहां पर भी हमको उस दौरान मिली। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें, तो मेरा आज यहां पर जो आने का मकसद, क्योंकि उस दौरान हमें जानकारी मिली कि फरवरी में हर साल कार्बी कम्युनिटी का एक बड़ा कार्यक्रम होता है, पूरा विधि विधान से पूजा पद्धति होती है, कार्बी कम्युनिटी का अवेयरनेस को लेकर बातें होती है। तो मेरा भी मन हुआ था कि मुझे एक बार दोबारा वापस आना है, और जिन साथियों से नहीं मिलना हुआ है उनसे वापस मिलना होगा। तो आज इस अवसर पे मैं कहना चाहूंगा हमारे जो भाई हैं, वडील हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन सबसे, माताएं बहने हैं, हम लोग क्या थे, हम लोग क्या थे, वर्तमान में क्या हो गए और भविष्य में हमारी पीढ़ी का क्या होगा वो पता ही नहीं हमको। हमारे पूर्वज, हम लोग क्या ताकतवर थे, वर्तमान में क्या हो गए हैं और भविष्य में आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, उसके बारे में हम चिंतित भी नहीं है। हम दूसरे कामों में व्यस्त हैं, दूसरी चीजों में व्यस्त हैं, हमें हमारी आने वाली जनरेशन को लेकर हम चिंतित नहीं है। इस देश में स्थिति ऐसी बना रखी है कि ट्राइबल ट्राइबल कहने में शर्म आता है, ट्राइबल ट्राइबल कहने में शर्माते थे। क्यों? क्योंकि मानसिकता ऐसा बना रखी है कि ट्राइबल जो है वो कमजोर कम्युनिटी है, पिछड़ी कम्युनिटी है, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, एजुकेशन सब जगह से कमजोर है, ऐसा मानसिक रूप से हमारे दिमाग में डाल रखा है। तो हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। कमजोर महसूस करने के कारण हम लोग हमारी पहचान जो बताने में कहीं ना कहीं डरते हैं। आज यहाँ का कोई भी व्यक्ति जाएगा, दिल्ली में जाएगा, बड़े शहरों में जाएगा, तो वो अपने आप को ट्राइबल या इंडिजिनस कहने में शर्माएगा। तो क्यों ऐसी चीज, मैंने एक चीज बोली थी कि हम क्या थे, हम क्या हो गए और आने वाली पीढ़ी का क्या होगा हमको पता नहीं है। तो हम क्या थे, हम इस देश के मूल मालिक थे, इस देश के, इस धरती के मूल मालिक, और वो हम भूल गए। आज मैं विधायक बना तो इस देश का मूल मालिक होने के नाते भारतीय संविधान के अंदर शेड्यूल 5 आया, शेड्यूल 6 आया, और मैं शेड्यूल 5 से आता हूं, तो भारतीय संविधान के तहत शेड्यूल 5 के आधार पर मुझे इंडिजिनस ट्राइबल होने का सर्टिफिकेट मिला, और वो सर्टिफिकेट लगा के मैं विधायक बना, एमएलए बना, और उस सर्टिफिकेट के आधार पे मैं जीता जसेत्र की जनता के आधार पे, और तो मैं आज यहां पर आ पाया। यहां पर कैसे है, ट्राइबल कम्युनिटी के सर्टिफिकेट के आधार पे मैं यहां पर पहुंचा आज एज ए विधायक के रूप में। अगर ट्राइबल कम्युनिटी का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र अगर नहीं होता तो मुझे शायद मैं विधायक नहीं बन पाता, एमएलए नहीं बन पाता, और एज एमएलए यहां पर नहीं आ पाता। तो जो शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 हम लोगों ने पढ़ा, किस इलाके में शेड्यूल 6 है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और शेड्यूल 6 जो संविधान में जो है शेड्यूल 6 को जो पावर दे रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल टाइप अपने यहां होगा शायद, और हम लोग पहले मनोनीत भी होते थे, अब निर्वाचित भी हो रहे होंगे। देश में एक स्थिति बनी हुई है, मेरा आप यूट्यूब पे सर्च करके देखो कि मैंने विधानसभा में एक चीज बोली है, इस देश का जो ट्राइबल है जिस सर्टिफिकेट के आधार पर निर्वाचित होकर सांसद या लोकसभा में गया या विधानसभा में गया,
लेकिन उस सर्टिफिकेट के महत्व को भूल के पार्टी के महत्व को ज्यादा देता है। कोई भी व्यक्ति हो, मैं इंडिजिनस, मैं एज ए ट्राइबल पार्टी के आधार पे जीता तो मैं यहां पर आया, बाकी नेशनल पार्टी दूसरी पार्टी के आधार पे जीता होता तो मैं आपके बीच में नहीं आता। आता आज नहीं आता, आता जरूर हो सकता है किसी पार्टी की बात को लेके आता, एज ए इंडिजिनस की बात को, ट्राइबल की बात को लेके नहीं आता। किसकी बात को लेके अगर आता भी सही तो पार्टी की बात को लेके आता, एज ए इंडिजिनस, एज ए ट्राइबल की बात को लेके, ट्राइबल की भावना को लेके नहीं आता, यहां पार्टी की भावना को लेके आता। लेकिन हमने हमारे इलाके में तो शेड्यूल फाइव का जो इलाका है हमारा, तो शेड्यूल फाइव के जो महत्व को समझा, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट जो 1874 में हम लोग कहते हैं हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, संविधान लागू हुआ 1950 में, लेकिन हमारा जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक तो जो आया है मेरी समझ के अनुसार 1874 में, और उस समय अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, अंग्रेजों को लगा कि इस देश का जो मूल मालिक है इंडिजिनस है, ये ट्राइबल लोग हैं, तो जहां पर 50% से अधिक जो ट्राइबल थे वहां पर शेड्यूल सिक्स किया, और जहां पर 50% से कम या 50% के आसपास थे वहां पर शेड्यूल फाइव किया। तो हमारा जो राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वो शेड्यूल फाइव है और आपके यहां शेड्यूल सिक्स। पावर की बात करें तो शेड्यूल फाइव में कम पावर है, शेड्यूल सिक्स में ज्यादा पावर है। लेकिन मैंने बात बोली थी हम क्या थे, हम क्या हैं और हमारा क्या होगा हमको पता नहीं। आज मैं बात बता रहा था शेड्यूल फाइव वाला जो इलाका, तो आज हमारे देश के अंदर जो स्थिति बन रही है ट्राइबल अवेयरनेस में पीछे चला जा रहा है, हम लोगों का इतना विस्थापन हो रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता की मेहरबानी रही, मैं विधायक बना और मुझे इतनी कम एज में विधायक बनने के बाद मुझे देश के अनेक राज्यों में अनेक ट्राइबलों से मिलने का अवसर मिला। मैं त्रिपुरा भी गया, त्रिपुरा के ट्राइबलों से भी मिला, हम लोग छत्तीसगढ़, झारखंड, मतलब देश के उड़ीसा है, मणिपुर के ट्राइबल से, नागालैंड के ट्राइबल से, सारे ट्राइबलों से हमें मिलने का अवसर मिला। और सबके मन की जो भावना थी, सबके अंदर जो सोच थी, उस सोच को हमने महसूस किया तो हमें लगा कि हमारी कम्युनिटी आपस में ही लड़ने में बिजी है, हमारी कम्युनिटी आपस में ही जमीन को लेके, छोटी मोटी बात को लेके, या दो कम्युनिटी के बीच में कोई जमीन का विवाद हो उसको लेके ही लड़ने में बिजी है। दूसरी चीज ये देखी कि ट्राइबलों का धर्मांतरण बहुत हुआ हमारे गुजरात में, उधर देखा जाए कई ट्राइबल जैन बने हुए, मणिपुर में ट्राइबल माइनॉरिटी मुसलमान बन गया, कई जगह क्रिश्चियन बन गए, कई जगह हिंदू बन गए। लेकिन ट्राइबल ये जो धर्म और धर्म व्यवस्था है, उस धर्म व्यवस्था से पूर्व का ट्राइबल है, ये धर्म व्यवस्था बाद में बनी है। हो सकता है आज कई साथी ऐसे जो होंगे जिन्होंने अपना अलग अलग धर्म अपना रखा होगा, हो सकता है अनभिज्ञता के कारण, मतलब जानकारी के अभाव में अपना रखा होगा। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि हमको जो पावर दे रखा है, हमको जो सर्टिफिकेट मिला है, हमको जो रिजर्वेशन मिला है, वो हमारे कल्चर के आधार पे मिला है। और हम ये कल्चर भूल जाएंगे, अन्य धर्म अपना लेंगे तो हमारा जो सर्टिफिकेट के साथ जो नुकसान होगा, क्योंकि हमारा सर्टिफिकेट, आज हम बैठे हैं साथी, मैं भी आया जींस पैंट में आया हूं, मैं आया हूं जींस पैंट में आया हूं, लेकिन मेरा कल्चर ये नहीं कहता है, मेरा कल्चर तो आप जो बैठे हो, हमारे वहां भी आप जो पहना धोती पहने वही पहनते हैं, हमारे भी
जो सर्टिफिकेट मिला है जींस पहनने से नहीं मिला मुझे, जींस पैंट पहनने से शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 या एसटीएल शेड्यूल ट्राइब का जो सर्टिफिकेट नहीं मिला, आपने जो पहना है आप जो कर रहे हो उससे मिला है। तो देश लेवल पे हमने महसूस किया कि ट्राइबलों का धर्मांतरण बहुत हो रहा है, ट्राइबल जो है हमारा भाई अलग अलग धर्मों में जा रहा है, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, अवेयरनेस नहीं है। हम धर्म हमारी जो पूजा पद्धति, यहाँ की पूजा पद्धति देखा, हमारी आज जो आप पूजा पद्धति करोगे क्या ये पूजा पद्धति किसी भी धर्म में मिलेगी, मिलेगी ये पूजा पद्धति? आज हमारी जो आप पूजा पद्धति करोगे, आज जो पूजा पाप करोगे, ये किसी भी धर्म में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इस पूजा पद्धति के आधार पे हम ट्राइबल है एज ए, ये कपाल पे नहीं लिखा है कि आप ट्राइबल हो, लिखा है अपने यहां कहीं। हमारी पूजा पद्धति हमारे कल्चर के आधार पे हम ट्राइबल है, और हमारी लैंग्वेज के आधार पे, बोली के आधार पे। असम के अंदर कई ट्राइबल समूह छोटे छोटे, सबकी अपना अलग कल्चर है, सबका अपना अलग लैंग्वेज है, उसको बरकरार रखना है, जीवित रखना है। मैं हर जगह एक बात बोलता हूं कि हमारे पूर्वजों ने, मतलब अपने दादाजी को जो डेथ हो गई उनको क्या कहते हैं, पूर्वज बोलते हैं, अपने यहां क्या बोलते हैं, पूर्वज बोलते हैं, मतलब जो हमारे पूर्वज थे जिनकी डेथ हो चुकी, हमारे दादा परदादा, तो उन्होंने हमको विरासत में, सेविंग में हमारा कल्चर, हमारा हमारे जो पूजा पद्धति, हमारी बोली, ये हमको विरासत में दिया है, और उसको हमको जीवित रखना है, और यही विरासत हमको आने वाली पीढ़ी को देना है। ये कल्चर नहीं रहा, हमारी बोली नहीं रही, हमारी पूजा पद्धति नहीं रही, तो हम एज ए ट्राइबल नहीं रहेंगे। हमारे गुजरात से साथी आए, गुजरात के अंदर एक ट्राइबल कम्युनिटी है, उस ट्राइबल कम्युनिटी ने धर्मांतरण किया, धर्मांतरण करने के बाद दूसरा कल्चर अपनाया, दूसरी बोली अपनाई, तो हमारा जो खानपुर वाला इलाका है उनको ट्राइबल की सूची से बाहर कर दिया, इंडिजिनस की सूची से बाहर कर दिया। तो हमें जो जींस पैंट पहन के हम आ गए, इसका मतलब ये सभ्य नहीं हो गए, जींस पैंट पहनना ही सभ्य नहीं है। हमारा समाज, हमारे भाई थे भी, ये उन्होंने कहा कि कल मुझे, कल आपको मेरे घर पे आना है, फिर बोला कि मेरा घर छोटा सा ही है। मैंने कहा आपका घर छोटा लेकिन दिल तो बड़ा है, दिल तो बड़ा है। और यही हुआ हमारे ट्राइबलों के साथ, यही हुआ, हमारा ट्राइबल का दिल बहुत बड़ा है, हमने जो आया उसका स्वागत किया, लेकिन कई लोग बेरुपये के रूप में आए और हमने उसको अपना समझा, और उसने आके देश में, देखो हिस्ट्री देखो, हम लोग जैसे ये बात बता रहे, थाईलैंड ने आक्रमण किया, उधर अंग्रेज आए, हूण आए, पाषाण आए, मुगल आए, तो कहीं कहीं हमारी कमजोरी, हालांकि अपना अपनत्व है, एक प्रेम, इसने आज मैं आया, मान सम्मान किया आपने, ये हमारा कल्चर कहता है। कई लोग विदेश में जाके देश का डंका बजाते, कहते अतिथि देवो भव, जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने समझ पड़ा होगा कहीं, अतिथि देवो भव, मतलब भारत एक ऐसा देश है जहां पर अतिथि मतलब मेहमान को भगवान के रूप में माना जाता है। ये भारत एक ऐसा देश है, इसका बखान विदेशों में होता है, किस विश्व में भारत एक ऐसा देश है, उस देश के अंदर अतिथि देवो भव मतलब जो मेहमान है, अतिथि है, वो एक भगवान का रूप है। और ये भारत के अंदर ओनली फॉर ट्राइबल में मिलेगा अतिथि देवो भव, बाकी शहर में जाएंगे तो अपन को कोई पानी भी नहीं पिलाएगा, वहां पर अतिथि देवो भव नहीं रहेगा, ट्राइबल के अंदर अतिथि देवो भव। लेकिन इतना सभ्य रूप होने के बावजूद सभ्य ये होता है कि जो एक मान सम्मान दे, प्रेम स्नेह रखे, मिलनसार रखे, भाईचारा रखे, वो सभ्य। हमने जींस पैंट पहन लिया उनको सभ्य मान लिया, किसको सभ्य मान लिया, जींस पैंट पहन लिया उनको सभ्य मान लिया।
मान लिया, हमने ये कपड़े मिले उनको हमने ये माना असभ्य मान लिया। कई साथियों को लैंग्वेज में दिक्कत आ रही होगी, भाषा में हिंदी लगभग समझ में आ रही होगी, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि हमारे ट्राइबल कार्बी कम्युनिटी के सारे साथियों को मेरी जो भावना है, मेरा जो उद्देश्य है यहाँ पर आने का, तो बताने की कोशिश की है। आज बुजुर्ग साथी बैठे हैं, युवा बहुत कम है, यूथ बहुत कम है, वो कहीं ना कहीं क्योंकि अपने कल्चर को भूलता जा रहा है कि डांस प्रोग्राम होगा वहां भीड़ लग जाएगी, डीजे चलेगा वहां, लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन हमारे ट्राइबल के अंदर जो डांस है वो किसी भी दूसरी जगह नहीं मिलेंगे, ना बॉलीवुड में मिलेंगे ना हॉलीवुड में मिलेंगे। ट्राइबल के अंदर जो कल्चर है वो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हम हमारे कल्चर को जो महत्व है उस महत्व को भूल के हम दूसरी ओर जा रहे हैं, हमारा यूथ दूसरी ओर जा रहा है, उसको रोकना है। और उसको नहीं रोके आने वाले समय में, आज देश के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार 8% ट्राइबल है टोटल पॉपुलेशन का, और हम धर्मों में दूसरे कल्चरों में चले जाएंगे तो हमारी संख्या घटती जाएगी। और देश में बहुत सारी ऐसी शक्तियां काम कर रही है जो ट्राइबलों का धर्मांतरण हो, राजनीतिकरण हो, इन चीजों में ले जा रही है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी मेरे मानूंगा, भले आप 20-50 लोगों ने सुना हो, 50 में से 10 जनों ने समझा हो, और वो 10 जने भी अपनी मेरी इस बात को जो अच्छी लगी है उस बात को पूरी कम्युनिटी में फैलाए, और वो 10 जने मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा करें। आप सबको अपनी संस्कृति को बचा के रखना है, अपनी पूजा पद्धति को बचा के रखना है, अपना कल्चर है उसको बचा के रखना है, धर्मांतरण को रोकना है, राजनीतिकरण को भी रोकना है। हमारे समाज में एकता नहीं होने के कारण, आज मैं 2 साल पहले आया तो वो सड़क सेम ही थी और आज भी सेम ही है, वो राजनीतिक अवेयरनेस नहीं होने के कारण। मैं ये जो सड़क ही बोलते ना, रास्ता, 2 साल पहले आया तो सेम ही था और आज भी सेम ही है, वो क्यों है कि हमें पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, हमें पॉलिटिकली अवेयरनेस नहीं है। उस बात पे फिर कभी बात करेंगे। आप सबको खूब खूब धन्यवाद, आप सबको कार्डम, जय जोहार। इस जोहार शब्द मैंने बोला, जोहार शब्द ये है कि कुदरत की आप जो पूजा पद्धति कर रहे हैं उसकी थे। जोहार शब्द राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, सब जगह। मैं भील कम्युनिटी से आता हूं तो हमारे यहां जय गुरु बोलते हैं, जय गुरु। जैसे आपने कार्डम बोला तो हमारे जय गुरु बोलते, लेकिन जय गुरु हो गया ओनली फॉर भील कम्युनिटी का, कार्डम हो गया कार्बी कम्युनिटी का। उधर भाई आए उनका अलग होगा, फिर गुजरात वालों का फिर अलग होगा, लेकिन सारी छोटी छोटी कम्युनिटी का एक बड़ा जो शब्द है वो है हमारा जोहार शब्द। इस देश के प्रत्येक ट्राइबल को एक करने का वर्ड है ये। इस पे बता दूं थोड़ा आगे से, मैं आपको समझाने के लिए, जैन कम्युनिटी है, दिल्ली का जैन, असम का जैन और राजस्थान का जैन मिलेंगे तो आपस में क्या बोलेंगे? जय जिनेंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जय जिनेंद्र। यहां के आपके शर्मा जी या पंडित जी, राजस्थान के पंडित जी या दिल्ली का पंडित जी या बंबई का पंडित जी आपस में मिलेंगे, ब्राह्मण जो शर्मा, तो क्या बोलेंगे? जय श्री कृष्णा। तो उनका कम्युनिटी का पूरे देश लेवल पे एक संबोधन है, वो संबोधन हमको एक सूत्र में बांधने का काम करता है। तो हमारे कार्बी कम्युनिटी के लोग कार्बी मिलेंगे तो कार्डम शब्द, और हम अगर दूसरे स्टेट में, आप राजस्थान में आके अगर जोहार बोल दोगे तो आपको बिना पूछे पता चल जाएगा ये ट्राइबल है। आप दिल्ली में किसी जगह जोहार बोल दोगे, अगर कोई दूसरा ट्राइबल सुन रहा है तो समझ जाएगा कि ये ट्राइबल है। ये
टेस्ट लेवल के ट्राइबलों को एक सूत्र में बांधने का शब्द है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। मैंने कोशिश की आपको मेरी भावना को बताने का, आपने जितना समझा उतना धन्यवाद। और अपन समझेंगे और मेरा जो मूल उद्देश्य है यहाँ की कल्चर को, यहाँ की जो पूजा पद्धति को उनको समझना, और मेरी ओर से जो मेरी भावना है, मेरा जो उद्देश्य है वो आप तक पहुंचाना। आप सबको धन्यवाद। आप सबको कार्ड